हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ट्वेल्थ एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग उर्वरकों के बाद में अब केमिकल फर्टिलाइजर और पर्यावरण प्रदूषण वाला लेसन पढ़ रहे हैं। तो देखिए, रासायनिक उर्वरक जो है वो किस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ाते हैं और उसका क्या प्रभाव मृदा पर और जीवों पर और फसलों पर पड़ता है, इनके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। कल मैंने आपको रासायनिक उर्वरकों के बारे में बात हमने करी थी कि रासायनिक उर्वरक जो है वो किस प्रकार से जो है वो एक हानिकारक प्रभाव पैदा करते हैं, और मैंने भारत की स्थिति के बारे में आपको बताया था कि भारत जो है रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के हिसाब से इस वक्त कौन सी पोजीशन पे आता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे पेस्टिसाइड्स के बारे में या पीड़कनाशियों के बारे में कि पीड़कनाशी जो है वो क्या होते हैं, और इसके अलावा अगर हम भारत में उपयोग की दृष्टि से इसको देखें तो ये कौन से स्थान पर भारत जो है उपयोग की दृष्टि से आता है। तो देखिए भाई, पीड़कनाशी जो है मेनली उनका काम क्या है, तो जितने भी कीट पतंगे इसके अलावा खरपतवार चूहे, ठीक है, या फिर इसके अलावा टिड्डियां, ठीक है, इसके अलावा भूमिगत अन्य जीव, ये जितने भी जीव हैं इनको सबको नष्ट करने के लिए पीड़कनाशी या पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है। अच्छा, जैसा जैसा जीव होगा उसके आधार पर फिर पेस्टिसाइड का भी नाम बदलता जाता है। ठीक, क्वकनाशी, जैसे इसके अंदर क्वकनाशी भी आ जाएंगे, फंगीसाइड, क्वकनाशी, तो ये सारे जो हैं आपके जो जीव हैं इनके आधार पर पीड़कनाशियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक, भारत के अंदर जो पीड़कनाशियों की जो स्थिति है 1953-54 में भारत के अंदर अगर उपयोग देखें इसका तो 154 मीट्रिक टन उपयोग था। ठीक है, ये कुल उपयोग मैं बता रहा हूं आपको, और आज जो है ये उपयोग लगभग 85,000 से ज्यादा मीट्रिक टन हो चुका है। ठीक है, 85,000 से ज्यादा मीट्रिक टन हो चुका है, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेस्टिसाइड जो है वो कितना अधिक उसका उपयोग बढ़ गया है। पेस्टिसाइड्स जो है अगर भारत में क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में और पंजाब में उपयोग में लाए जाते हैं। महाराष्ट्र और पंजाब में सर्वाधिक पेस्टिसाइड्स जो है उपयोग में लाई जाती हैं, और सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज जो है वो भी इन दो स्टेट्स में ही पाए जाते हैं। ठीक, मतलब अब आप समझ गए होंगे कि पेस्टिसाइड का जो असर है वो मनुष्य या मानव प्रजाति पर कितना अधिक और कितना खतरनाक रूप से होता है। ठीक है, अगर हम विश्व स्तर पर देखें और अगर उपयोग की बात करें तो विश्व स्तर पर उपयोग जो है पेस्टिसाइड का भारत में बहुत ही कम होता है, लेकिन अन्य विश्व की अपेक्षा वो कम है, लेकिन अगर वैसे बात करें तो वो ज्यादा है। तो जैसे भारत में अगर हम बात करें तो आज भी पेस्टिसाइड जो है 0.6 केजी प्रति हेक्टेयर यूज किया जाता है, एक हेक्टेयर में 0.6 किलो यानी कि 600 ग्राम। ठीक, लेकिन अगर अन्य देशों की बात करें तो जैसे यूएसए के अंदर ये है 7 किलो प्रति हेक्टेयर, चीन में ये 13 किलो है, ताइवान के अंदर ये 17 किलो प्रति हेक्टेयर यूज किया जाता है। तो इसका मतलब अगर विश्व स्तर पर बात करें तो भारत के अंदर पीड़कनाशियों की जो खपत है वो बहुत कम है, और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पीड़कनाशियों का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। ठीक,
लेकिन फिर भी अगर इसकी मात्रा भारत में बढ़ती जा रही है तो वो हमारे लिए चिंता का विषय होता है। पीड़कनाशी अधिनियम 1968 के अनुसार, 1968 यानी कि ये काफी पुरानी बात है, पीड़कनाशी अधिनियम में के अनुसार भारत में 188 पीड़कनाशी पेस्टिसाइड जो है वो पंजीकृत हुए थे, यानी कि आज 2020 चल रहा है, इसका मतलब आज पीड़कनाशियों की मात्रा बहुत ज्यादा हो चुकी है। अलग अलग प्रकार के ऐसे पेस्टिसाइड जो कि फसलों को इन जीवों से तो मुक्ति दिलाते हैं लेकिन उनका जो साइड इफेक्ट है वो उसके अच्छे इफेक्ट से कहीं ज्यादा होता है। क्लियर? तो इस प्रकार से ये इसकी हिस्ट्री है कि कीटनाशी जो है वो किस प्रकार से भारत चीन के बाद में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कीटनाशी निर्माण करने वाला देश है और विश्व में भारत का 12वां स्थान है कीटनाशियों के निर्माण के अंदर। कीटनाशकों के मामले में अगर निर्यातक देश की बात करें तो भारत जो है वो 13वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ब्राजील, यूएसए, फ्रांस और नीदरलैंड देशों को कीटनाशियों का निर्यात करता है। ठीक है भाई, तो भारत के अंदर अगर निर्माण की दृष्टि से बात करें तो कीटनाशियों का निर्माण बहुत बड़े स्तर पर होता है लेकिन उसमें से उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अन्य देशों को निर्यात कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो आंकड़े हैं और कुछ इतिहास है जो मैंने आपको कीटनाशियों के बारे में बताया कि पेस्टिसाइड्स जो है वो क्या होती है। अब हम परिभाषा पढ़ेंगे पीड़कनाशियों की और मैं आपको प्रकार बताऊंगा कि पीड़कनाशियों के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो देखो भाई, ये कीटनाशियों की जो पेस्टिसाइड्स जो है उनकी मैं परिभाषा मैंने यहां लिख दी है। तो देखिए, वे रासायनिक पदार्थ जो पादप कीट यानी कि पादपों पर बैठने वाले कीट, ऐसे कीट जो पादपों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो पादप कीट एवं रोगों को नियंत्रित करने, खरपतवार उन्मूलन, खरपतवार ऐसी वनस्पति जो कि अनावश्यक रूप से पादप फसलों के अंदर उग जाती है और जो पादप को या फसलों को नुकसान पहुंचाती है, खरपतवार उन्मूलन, कृषि उत्पादों को नष्ट करने वाले कीटों एवं सूक्ष्म जीवों यानी कि फसल कटने के बाद जब उसको भंडारित कर लिया जाता है तो उस फसल को नष्ट करने वाले जीवों को मारने तथा परजीवियों और मनुष्यों एवं जानवरों के खतरनाक रोगाणुओं के नियंत्रण में प्रयोग किए जाते हैं उनको पीड़कनाशी कहा जाता है। तो एक बड़ी परिभाषा है ये, इसके अंदर पीड़कनाशियों के हर चीज के बारे में लिख दिया गया है कि उनका क्या क्या काम। पीड़कनाशी जो है ये जरूरी नहीं है कि फसलों पे उपयोग लाए जाते हो, जैसे अपने घरों के अंदर चूहे मारने की जो दवाई होती है वो भी पेस्टिसाइड ही होती है। ठीक है, अगर कोई टिड्डी मारने की या कोई किसी कीट मकोड़े जो हम घरों के अंदर यूज करते हैं तो वो भी पेस्टिसाइड ही होती है। तो इसलिए पेस्टिसाइड का जो क्षेत्र है, जो इसका उपयोग का क्षेत्र है, वो एक बड़ा क्षेत्र है जिसके अंदर पादप कीटों, रोगों, खरपतवार, कृषि उत्पादों को नष्ट करने वाले जीवों, ठीक है, परजीवियों से नियंत्रित और मनुष्यों और जानवरों के लिए खतरनाक रोगाणु जो है उन सब के नियंत्रण में और उन सबको मारने में पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब अपने पेस्टिसाइड के प्रकार लिखते हैं। तो देखिए, अलग अलग काम के लिए अलग अलग पेस्टिसाइड यूज की जाती है। ठीक है, ज्यादातर हम ये सोचते हैं कि भी पेस्टिसाइड का मतलब ये है कि एक ही दवाई फसल के अंदर डाल देते हैं जो खरपतवार को भी मार देती है और टिड्डियों को भी मार देती है या फिर और चीज जो है उनको भी मार देती है। नहीं, ऐसा नहीं है। पेस्टिसाइड एक्चुअल में एक ग्रुप है जिसके अंदर अलग अलग रासायनिक पदार्थ अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो कार्यों के आधार पर पेस्टिसाइड जो है वो 9 प्रकार के होते हैं, सबको हम अलग अलग देखिए पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है कीटनाशी। तो कीटनाशी जो है इंग्लिश में इसको हम इंसेक्टिसाइड कहते हैं। ठीक है, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का काम सिर्फ कीड़ों को मारना है, इसके अलावा उसका और काम नहीं है। कीटनाशी, तो कीटनाशी का मतलब क्या हो जाएगा, इंसेक्ट, इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े,
तो इंसेक्ट को मारने के काम आएगा, इसका मतलब इनको इंसेक्टिसाइड कहेंगे। इन सब को मिला के पेस्ट कहा जाता है, इसलिए सबका कॉमन नेम पेस्टिसाइड, स्पेसिफिक नेम या विशिष्ट नेम इंसेक्टिसाइड। ठीक है, तो इंसेक्टिसाइड का काम कीटनाशियों को मारना या कीटों को मारना। कवकनाशी, ठीक है, कवकनाशी जो है इनका मुख्य कार्य है जो फंगस है, जो क्वक है उसको नष्ट करना, तो फिर इसलिए इनको इंग्लिश में फंगीसाइड हम कहते हैं। यानी इनका मेन कार्य जो है वो क्वक को नष्ट करना है, यानी कि कीटों को नष्ट नहीं करेंगे, क्वक को नष्ट करेंगे। ठीक है, तो अलग एक कैटेगरी होगी। खरपतवारनाशी, खरपतवारनाशी वो ऐसे केमिकल जो क्या करेंगे, खरपतवार को या झाड़ियां जो उगती हैं तो इनको हम क्या कह देंगे, हर्बिसाइड्स कहेंगे। सूत्रकृमि, ऐसे बिल्कुल पतले पतले सूत्र जैसे धागे जैसे कीड़े जो होते हैं, जैसे सांप जैसे कीड़े बिल्कुल, उनको नष्ट करने के लिए सूत्रकृमि नाशी। अष्टपदनाशी जो होते हैं, ऐसे जीव जो आठ आठ जिनके पैर होते हैं उनको ऑर्थोपोड कहा जाता है, ऑर्थोपोड बायोलॉजी के अंदर, तो ऑर्थोपोडा संघ के जितने भी हैं उनको अष्टपदनाशी कहेंगे। मूषक, चूहे को कहा जाता है। ठीक है, तो चूहों को मारने के लिए जो दवाई यूज करी जाती है बेसिकली है तो वो पेस्टिसाइड, लेकिन उसका नाम यहाँ पर मूषकनाशी इसको कह दिया गया। एल्गीसाइड, एल्गी को, एल्गी यानी कि पानी के अंदर जो हरे रंग का एल्गी जमा हो जाती है उसको नष्ट करने के लिए एल्गीसाइड यूज होता है। मोलस्का, मोलस्का संघ के जो जितने भी जीव हैं ये जल के अंदर पाए जाते हैं और जल के अंदर जो है जलीय वनस्पति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको मारने के लिए मोलस्कीसाइड्स। बैक्टीरियासाइड्स वो होते हैं जो कि बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, जैसे कि हमने पिछले कुछ लेसन्स में पढ़ा है कि बहुत सारे बैक्टीरिया, कोई नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है, कोई है ना, तो वो फसलों के लिए क्या है, लाभदायक है, लेकिन लाभदायक तो थोड़े से बैक्टीरिया हैं, ज्यादातर तो क्या है, नुकसानदायक है। तो वो नुकसानदायक बैक्टीरिया जो है उनको मारने के लिए या उनको नियंत्रित करने के लिए बैक्टीरियासाइड्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इतने प्रकार के जो है वो पीड़क नाशी आपके सामने हमने इनको पढ़ा है। ये सिर्फ इनके नाम है, इनको हमने अलग अलग को पढ़ना है डिटेल के अंदर, डिटेल में सबको एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक करके सबके बारे में जानेंगे कि कौन सा केमिकल जो है वो किस कार्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो पीड़क नाशियों की परिभाषा हो गई है, और पीड़क नाशियों की परिभाषा के साथ साथ इसके हमने प्रकार जो है वो लिख लिए हैं। अगर मैं बात करूं कि पीड़क नाशियों के अंदर, मतलब ये इतने सारे लिखे हैं, तो इनमें सबसे ज्यादा कौन उपयोग में लाया जाता है, तो कुल पीड़क नाशियों के अंदर 60% सिर्फ कीटनाशी या इंसेक्टिसाइड यूज किए जाते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा फसलों को खतरा जो है वो किससे हो रहा है, कीटों से, और इसीलिए कीटनाशियों की खपत जो है वो सबसे ज्यादा है हमारे देश के अंदर। इसके अलावा 18% जो है वो क्वकनाशी जो है वो यूज किए जा रहे हैं, क्वकनाशी 18% क्वकनाशी है और 16% खरपतवारनाशी। ठीक है, 16% खरपतवारनाशी, ठीक, 16% खरपतवारनाशी और 3% जो है जीवनाशी है और 3% अन्य रसायन जो है वो यूज होते हैं। मतलब ये हुआ कि इतना भाग जो है इन तीनों ने रोक रखा है, यानी फसलों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले जो जीव हैं वो ये। ठीक, चलिए, अगर इनका उपयोग सबसे ज्यादा होता है तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है और किस प्रकार से ये जो है वो भूमि को, फसलों को नुकसान से तो बचाते ही हैं, लेकिन जो मनुष्य जैसे जीव हैं उनको ये बहुत सारी बीमारियां भी पैदा कर देते हैं, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।